हेलो, मैं हूँ खुशबू वेब दुनिया हिंदी से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल रिबॉन्डिंग का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है और सारी गर्ल्स रिबॉन्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं और ये ट्रेंड काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इसी ट्रेंड को लेके मैं बात करने वाली हूँ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट रोमा उधानी जी से। आई एम रोमा। रोमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी बेसिकली रिबॉन्डिंग होता क्या है। रिबॉन्डिंग के थ्रू हम बालों के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, परमानेंट चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिबॉन्डिंग के थ्रू हेयर्स के कोटेक्स लेयर पर वर्क करते हैं, जिनका कि जो नेचुरल टेक्सचर होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटनिंग में कन्वर्ट करके अपने हेयर्स को लुक दे सकते हैं, जो कि काफ़ी गॉर्जियस है और आजकल ट्रेंड में बना हुआ है। सो इन 7-8 आवर्स के बाद, लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, ऐसी कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जो 3 दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? हाँ, अगर आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कर रहे हैं तो हमें 72 आवर्स का प्रिकॉशन चाहिए। प्रिकॉशंस एक नॉर्मल सा है कि आप बालों को पॉकी स्ट्रेट ही रखिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम बोन्स परमानेंट अपना फिक्सिंग ले रहे हैं। अगर वो आपने टर्न करा, स्वेटिंग आता है, मॉइस्चर आता है, तो बालों वैसा ही वेज ले लेते हैं जैसा कि वो आपने रखा है 3 दिन तक। सो रोमा जी, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि रिबॉन्डिंग के बाद बाल झड़ता है, लोग अपनी केयर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते हैं बालों को, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, बाल कभी भी हेयर फॉल नहीं होता है, बस ये रहता है कि आपको प्रिकॉशन फॉलोअप करना है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो बाल ऑलरेडी मैंने कोटेक्स लेयर में वर्क करके उसका पूरा टेक्सचर चेंज कर दिया है, तो उसको मेंटेन करना तो पड़ेगा ही। वो तो फर्स्ट ऑफ आप जब ब्यूटिशियन से मिलते हो, हेयर एक्सपर्ट से मिलते हो, तो वो प्रिकॉशन तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इतना तो आपको लेना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट स्पा, हेयर स्पा, वो कितने टाइम में लेना चाहिए? नॉर्मल हेयर में भी 1 मंथ तो हम आपको एडवाइस देंगे ही सही, और स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के बाद तो आपको 1 मंथ स्पा को लेना ही है। अगर आपको अगले साल वापस रिबॉन्डिंग को एंजॉय करना है, बालों को एंजॉय करना है वन ईयर तक, तो आप इसको प्रिकॉशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो ये थी हमारे साथ हमारी ब्यूटीफुल एक्सपर्ट रोमा जी। थैंक्स रोमा जी फॉर दिस सेशन, फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। आपको ये टिप्स बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आप रिबॉन्डिंग करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।